दिल्ली में बॉस वाली लड़ाई, केजरीवाल को अखिलेश की याद आई। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सियासत, अखिलेश बढ़ाएंगे केजरीवाल की ताकत। दिल्ली का बॉस कौन होगा, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग में किसकी चलेगी, ये लड़ाई फिर एक बार तेज हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो ताकत दी थी उसके खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अब इसी अध्यादेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की याद आई है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 7 जून को लखनऊ आने वाले हैं, जहां वो अखिलेश से संसद में इस अध्यादेश का विरोध करने की अपील करेंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल जिस तरीके से केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है उसके विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ जो उनकी सरकार है दिल्ली में उसके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। तरीके से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल खुद लखनऊ आ रहे हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि ये केवल समर्थन तक ही सीमित रहेगा या 2024 में आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी समाजवादी पार्टी के साथ होगा। दरअसल केंद्र सरकार ये अध्यादेश पास कराने में अगर सफल हो गई तो दिल्ली सरकार से अधिकारियों के ट्रांसरोसा है कि उन्हें अखिलेश से मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि जब केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी तब अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधते हुए इसे न्यायपालिका का अपमान बताया था। ऐसे में केजरीवाल उन सभी विपक्षी दलों से मदद मांग रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, क्योंकि लोकसभा में भले ही भाजपा के पास बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में भाजपा के नंबर बहुमत से थोड़े कम है। यही वजह है कि केजरीवाल राज्यसभा में भाजपा के सामने विपक्षी एकता की दीवार खड़ी करने में लगे हैं। मैं कल मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा और जब बातचीत होगी तो बहुत बातें आप तक रखी जाएंगी, लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। नहीं, केजरीवाल जी एक निश्चित उद्देश्य के साथ सब लोगों से मिल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को जो अधिकार दिए थे उसके विरुद्ध केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है जिसमें सारे अधिकार गवर्नर के पास या एलजी के पास सुरक्षित हैं, उसको लेकर के उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क साधा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सबसे पहली पार्टी है जिसने उनकी इस मुहिम को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव से पहले केजरीवाल मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से, हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर से, चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अखिलेश और केजरीवाल की मुलाकात से पहले भाजपा हमलावर नजर आ रही है। नहीं, निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे। ये अखिलेश से याद मुलाकात करेंगे तो अखिलेश नहीं पूछेगा कि मुलायम सिंह को उन्होंने महाभ्रष्टाचार करा था, तो अखिलेश तो ये भी पूछेगा उनसे, और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आप हमसे समर्थन लेने के लिए आए। सभी दल इनसे यही पूछ रहे कि भैया ठीक है आप यू टर्न वाले हो, लेकिन इतना भी तो यू टर्न नहीं चलता कि कहीं पे माफ़ी लिख कर दो, कहीं पे पैरों में पड़ो, कहीं पे कुछ करो। मुझे लगता है कि ये इनका खाली दिखावा और नाटक है और ड्रामा है। अब सवाल बड़ा है, क्या अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे और क्या अखिलेश राज्यसभा के भीतर केजरीवाल की ताकत बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब नई संसद में शक्ति प्रदर्शन होगा जिसके उद्घाटन के विरोध में समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था।